सो हेलो गाइस कैसे हो तुमसे उम्मीद है तुमसे बोलो अच्छे हो गए मज़े में हो गए बिंदा हो गए जरदस्त हो गए और एक नए फ्रेश वीडियो में तुम सभी का स्वागत है एंड माइक्रोटेक के एक दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो में भी बहुत बहुत स्वागत है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप माइक्रोटेक में हॉटस्पॉट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो बट इसमें एक बात आ जाता है हॉटस्पॉट का तो कॉन्फ़िगरेशन हमने करना सीख लिया बट डी एच पी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं ठीक है मीन्स आपका राउटर आप उसे एज अ हॉटस्पॉट नहीं एज अ डी एच सी पी यूज़ करना चाहते हो मीन्स बेसिक से एक राउटर में यूज़ करना चाहते हो बट विथ मोर सिक्योरिटी तो आप कैसे करोगे तो आज की सीढ़िया हम बताऊँ हम बताएंगे आज की में मैं बताऊँगा बेसिकली कि आप कैसे डी का कन्फिग्रेशन कर सकते हो अपने राउटर रिपोर्ट में क्वाइट सिंपल है विद इन वन क्लिक हो जाएगा फटाफट से हमें जाना है विन बॉक्स में एज ऑलवेज़ जाने के बाद पहले वाले कन्फिग्रेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया बेसिकली आप जो देख सकते हो वही है कुछ मैंने चेंज नहीं किया मैक एड्रेस में क्लिक करूँगा एंड अपने क्रेडेंशियल्स के साथ मैं लॉगिन कर जाता हूँ लॉग इन हो चुका है हम इसे वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे आईपी पी में आ, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा तो पहले इसमें क्या ना हम बस हॉटस्पॉट को हटा देंगे हॉटस्पॉट को हटाने के बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट डी एल सी पे करेंगे तो इसमें अगर हम आई पी में जाएँ एंड आई पी में गए एड्रेस में गए तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हॉटस्पॉट का इंटरफेस है हम इधर पर डी एच सी पी का एक इंटरफेस बनाएंगे बेसिकली इसे हटा ही देते हो सपोज आप पूरा का पूरा फ्रेश हॉटस्पॉट का ही कन्फिग्रेशन कर रहे हो तो क्या करते हैं कि पहले हम ब्रिज में आते हैं एंड ब्रिज को डिस यहाँ से हटा देते हैं ठीक है हटाने का जरूरत ही कि इसको डी एच डी एच सी पी नाम दे देते हैं DHCP एच सी बट ये वीडियो मैं थोड़ा फटा फटाफट बना दे रहा हूँ अगर फिर भी आप लोग को समझ में दिक्कत होता है तो इसका और एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे बट uh, एक क्विक वीडियो जिनको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका कैसे वर्क करता है तो हॉटस्पॉट का वीडियो अगर नहीं देखा है मेक श्योर चेकआउट कर लो बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया मैंने अभी तक का हिंदी में अभी तक इतना डिटेल वीडियो किसी ने भी नहीं बनाया होगा और चेकआउट uh, करना बनता है बॉस ठीक है तो इसको मैंने हॉटस्पॉट का जगह डी एच नाम दे दिया हो गया डी एच तो यार तो अब इसमें पोर्ट भी ऑल मैंने दे करके ही रखा हुआ है ठीक है ना टू थ्री फोर फाइव पोर्ट है ओके अब होगा क्या कि बेसिकली हमें जाना है आई पी पुल में एंड यहाँ से इस पुल को डिलीट दिले। कर देना बेसिकली हॉटस्पॉट का पुल है तो हम इसे माइनस कर देंगे हटा दें माइनस प्लस प्लस मीस एड माइनस मीस हटाना रिमूव डिलीट आई में जाएंगे हॉटस्पॉट सर्वर में जाएंगे डी एच सी पी सर्वर में जाएंगे बेसिकली एंड यहाँ पे से डी एस को हटा देंगे क्योंकि तो ये डी एस जो है नेटवर्क के अंदर आके देखोगे तो ये हॉटस्पॉट का डी एस है ठीक है तो इसे हम माइनस कर देते तो अभी क्या है कि अगर हम आई में जाएँ और हॉटस्पॉट में जाएँ तो ये देखो यहाँ पर एक्टिव यूज़र भी हट चुका है एंड तो यूज़र जो बना था इन सब को भी हटा देते अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट मैं पूरा क्लीन फ्रेश करने के लिए जो आप लोग अगर सपोज नया कन्फिगर करते हो तो आपको ये सब नहीं मिलने वाला ओके तो सब कुछ क्लीन हो चुका है अभी जाना है डायरेक्टली डी सर्वर में जाना है क्योंकि हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं पिछले वीडियो में हमने जिस इसमें इंटरनेट का इन लिया था तो हमने डी क्लाइंट लिया था क्योंकि हमने डी के थ्रू हम इसमें इंटरनेट लेके आ रहे थे अब डी सर्वर से हम किसी दूसरे को आई देंगे बट विद एन हेल्प ऑफ ए डायनामिक आई हर एक यूज़र जैसे कनेक्ट होगा उसका एक आई पी असाइन हो जाएगा राउटर बोर्ड के थ्रू और उसको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा तो डी सर्वर में जाएंगे डी एच सी गए या फिर डी सेटअप में जाएंगे और हमने कौन से इंटरफेस में किया था तो बेसिकली यहाँ पे डी एच क्योंकि हॉटस्पॉट का नाम हटा के हमने डी कर दिया था उसे तो नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे जाने के बाद जो नेटवर्क है ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है क्योंकि हमने इसका आई पी पुल वगैरह सब कुछ हटा दिया है नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे तो हो गया अपना क्वाइट सिंपल अभी हम इसे जाते हैं एंड कनेक्टेड में जाके देखिए अगर चेंज अडेप्टर सेटिंग्स इसने कौन सा का आई उठाया देखते हैं डिटेल्स में गए एंड ये फाइव है तो इसने यहाँ का आई उठाया और हम लीसेस में जाएंगे अगर तो देखो माइक्रो हमारा मेरा मदरबोर्ड एक्स थ्री सेवेंटी के फाइव एंड इसको जो आईपी मिला है वगैरह मिल जाता है और अभी यहाँ से अभी एक चीज़ है कि अगर हम आईपी में जाएँ हॉटस्पॉट में जाए और सॉरी आईपी में गए फायरवॉल में गए पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप डी एच कर रहे हो तो आपको मैनुअली आपको नेट करना पड़ेगा क्योंकि ये मास्कोलेट जो कनेक्शन नहीं है क्योंकि इसी आईपी के ऊपर है तो ये देखो ये आईपी ये आईपी के ब्लॉक को इसने मास्कोलेट करके रखा है तो होगा क्या क्योंकि अगर आप इसे फर्स्ट टाइम अगर डी एच पी सेटअप करते हो तो ये नेटवल नहीं आएगा हॉटस्पॉट की वजह से यह नेटवल ऑटो क्रिएट हो गया था माइक्रोटेक माइक्रोटेक्निक क्रिएट कर दिया था हम इसे भी माइनस कर देंगे ठीक है अब हम देखो अगर इसे अगर आ, इंटरनेट एक्सेस करने का कोशिश करें तो इंटरनेट नहीं चलने वाला क्यों नहीं चलने वाला रीज़न बिंग दैट कि हमने सबको नेटवर्क को एक साथ अटैच नहीं किया तो अगर हम देखें बेसिकली कुछ भी खुलने का कोशिश करें तो नहीं जाने वाला ओके okay. काम नहीं करेगा आपका इंटरनेट नहीं चलेगा तो अभी क्या है कि इसे हम नेट कैसे करेंगे तो नेट के लिए हमें क्या करना है कि आई में गए फायर में गए फायर में जाने के बाद यहाँ पे नेट दिख रहा है ठीक है प्लस में क्लिक करना है एंड यहाँ पे एडवांस में आना है सीधा एडवांस में आने के बाद यहाँ पे जो जनरल टैब है फर्स्ट टैब इसमें आपको चेन में रखना है एसआरसी नेट एंड सोर्स कौन से एड्रेस को हम नेट कर रहे हैं ना कौन से आईपी के एड्रेस को हम लोग नेट कर रहे हैं तो हम डी को कर रहे हैं एड्रेस में जाओगे एड्रेस में जाने के बाद आपको ये डी नेटवर्क है ये नाम अपने हिसाब से रख सकते हो इधर पे लाइन टू रख सकते हो लाइन थ्री वगैरह रख सकते हो अगर आप इंडिविजुअल पोर्ट को असाइन कर रहे हो या फिर अगर ब्रिज को करो तो डी एच सी रख दोगे तो एक नॉमल क्लीचर अच्छा रहता है समझ में क्वाइट सिंपल रहता है क्योंकि दूसरा का कोई इस नेटवर्क पर वर्क करेगा तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है वो ईजिली समझ सकता है कि किस चीज़ का ये आई ब्लॉक है तो ये रहा इसको कॉपी किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे गए इधर पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे हम डायरेक्ट ज़ीरो दे, दे देंगे क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है पूरा नेटवर्क तो जीरो हो गया एक्शन में आएंगे एक्सेप्ट की जगह हम मास्क्यट कर देंगे अब मैं इसको थोड़ा साइड में लेके जाता हूँ जैसे ही मैं इसको मास्क्यट करूँगा देखना ये इंटरनेट आएगा देखो मैं रिट्राई मार रहा हूँ रहा नेट अब जैसे इसको हम थोड़ा साइड लेके आते हैं अप्लाई ओके एंड अगर हम इधर पे देखें कुछ डेटा जाना शुरू हो गया तो मीन्स इंटरनेट आ गया ओके okay. देखो यहाँ पे जा रहा है पैकेट्स ऐसे हम इंटरनेट का एक्सेस लेके आ सकते हैं डी के थ्रू अब यहाँ पे टोटल आपका टू हंड्रेड क्लाइंट्स चलेंगे तो उस हिसाब से आ, मतलब आ, सही है डी एच पी का कैसे सेटअप करते हैं आपका कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह करवाने का ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट आप अपने इसके जो इंटरनेट ले लिया आपने इंटरनेट लेने के बाद अपने, अपने पी जो भी घर के बाकी एक्सेस डिवाइेस है वो उसको चला सकते हो तो इस, इसका यूज़ की सीनारी पे आता है बेसिकली आपको एक राउटर राउटरबोर्ड ऑफकोर्स ही बात है एक नॉर्मल राउटर से बहुत ही अलग चीज़ है मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस राउटर है ये जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो तो इसमें क्या है कि आप बहुत से फायर वूल्स सेट कर सकते हो बहुत से मैंगल सेट कर सकते हो इसमें लोड बैलेंसिंग वगैरह कर सकते हो अपने नेटवर्क को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एंड स्टेबल कर सकते हो तो ये एक खासियत है माइक्रोटेक बोर्ड का उम्मीद है तो तुम सभी को समझ में आया होगा कि एक डी का सेटअप कैसे करते हैं ये जो वीडियो मैं मैंने सोचा है कि एक फटाफट फास्ट सपोज जो समझते राउटर बोर्ड को अगर उनको मतलब बेसिक uh, नॉलेज है तो वो इस वीडियो को देख के इजीली कन्फ्यूगर कर सकते हैं बट वैसे भी है जिन्होंने मेरा हॉटस्पॉट का वीडियो देखा है एंड उनको वैसा ही एक वीडियो चाहिए जो कि कम्प्लीटली डिटेल वीडियो हो डी के बारे में आउट ऑफ द बॉक्स निकाल करके उसके बाद उसे पहला कनेक्शन लगा करके कैसे इंटरनेट ला करके फिर उसमें डी एस सेटअप कर दे तो उसके कमेंट कर देना वीडियो बन जाएगा उम्मीद है तुम सभी को वीडियो पसंद पंदा वीडियो पसंद आता आते वीडियो लाइक कर सकते चैनल को सब्सक्राइब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी यू चलो कर बाय